मध्य प्रदेश में किसानों के साथ खराब फसल के सर्वे के नाम पर कैदियों की तरह सलूक किया जा रहा है। विदिशा जिले में सरकारी महकमा किसानों के गले में अपराधियों की तरह पट्टी बांधकर खराब फसल का सर्वे करवा रहा है। आमतौर पर इस तरह का सलूक खूंखार या लिस्टेड गुंडों की पहचान के लिए पुलिस करती है। इलाके के किसानों में इस बात को लेकर खासी नाराजगी है। कलेक्टर के मुताबिक इस मामले में तुरंत रोक लगा दी गई है, हालांकि उन्होंने इसके पीछे गलत उद्देश्य नहीं बताया। मामला विदिशा जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर ग्यारसपुर से सटे मनोरा गांव का है। यहां अतिवृष्टि के किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। पीड़ित किसान जब तहसीलदार के पास पहुंचे तो उन्होंने सर्वे कराने का फैसला लिया। प्रशासनिक दल किसानों के खेतों में पहुंचा और सर्वे के नाम पर किसानों के हाथों में कैदियों की तरह स्लेट पकड़ा कर उनकी तस्वीरें खिंचवाई गईं। फर्क इतना था कि स्लेट पर अपराध की जगह किसान का नाम, फसल का नाम, खसरा नंबर और जमीन के बारे में लिखा गया है। किसानों ने प्रशासन के इस कृत्य को अमानवीय मानते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई। किसानों का कहना है कि इस तरह का बर्ताव आमतौर पर ऐसे कैदियों के लिए किया जाता है जो आदतन अपराधी होते हैं और पुलिस को उनकी पहचान के लिए रिकॉर्ड में फोटो रखना होती है। किसानों के साथ ये कृत्य बेहद ही शर्मनाक है। विदिशा कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने बताया कि तहसीलदार ने पारदर्शिता के लिए यह प्रयोग किया था ताकि किसी तरह की मिलीभगत का आरोप नहीं लग सके और हकदार किसानों का वाजिब सर्वे हो सके। तहसीलदार का उद्देश्य गलत नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे नकारात्मक ले लिया। मैंने तुरंत ही इस तरह की तस्वीर के साथ किसानों की फोटो नहीं लिए जाने के निर्देश दे दिए हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।